हाय फ्रेंड्स, मैं होटल एक्सपायर गुजरात इंडिया टाटा कोटरा जेट विस्टा है फ्रेंड्स ये। और विस्टा गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का क्लच फेल हो चुका है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका क्लच पेडल है, जैसे ही प्रेस करूँगा तो रिटर्न नहीं होता है। तो ये रिटर्न होना चाहिए फ्रेंड्स, इसको हाथ से वापस लेना पड़ता है। तो ये क्लच फेल हो चुका है। तो गाड़ी के अंदर अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर है उसका जो हार्ड गिरेगा या गिरेगा ही नहीं, तो क्लच पेडल का प्रॉब्लम इसके अंदर। तो फ्रेंड्स क्लच काम नहीं करा, तो सबसे पहले ब्रेक ऑयल चेक किया यहाँ पे, तो ब्रेक ऑयल परफेक्ट है क्योंकि क्लच का और ब्रेक का एक ही आधा ये जो पाइप है ये सीधी क्लच के मास्टर सिलेंडर के अंदर जाती है। तो उसका मास्टर सिलेंडर भी कहीं से लीकेज नहीं है और ब्रेक ऑयल भी यानी कि क्लच ऑयल भी कंप्लीट है। तो और दूसरा सिलेंडर विस्टा के अंदर यहाँ पे स्लीव सिलेंडर रहता है गियर बॉक्स के नीचे, गियर बॉक्स के पास, सॉरी जूम करता हूँ। तो यहाँ पे एक स्लीव सिलेंडर रहता है, वो ज़्यादातर दिक्कत आती है इस गाड़ियों के अंदर। तो उसका एक पार्ट टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टूट गया है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो जो क्लच पेडल प्रेस करने से जो प्रेशर बनता है वो स्लीव सिलेंडर पे आता है, और स्लीव सिलेंडर वर्क करता है तो क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए गियर चेंज नहीं हो रहा है, गाड़ी चलती नहीं है, क्लच पेडल काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसका बैटरी निकाल दे और बैटरी का स्टैंड तो थोड़ा सा दिखाई देगा, और सिलेंडर चेंज करने वाले हैं, स्लीव सिलेंडर गियर बॉक्स वाला विस्टा गाड़ी का। खोलो बैटरी, बैटरी स्टैंड निकाल लिया है और आप देख सकते हो ये सिलेंडर है फ्रेंड्स, ये जो रहा सिलेंडर ही है। तो इस जगह पे बैठा होना चाहिए। यहाँ पे बैठना चाहिए, ये टूट गया, निकल गया साइड में। तो इसको खोलने के लिए दोबारा का बोल्ट रहते हैं, वो बोल्ट खोलेंगे तो आ जाएगा बाहर। इस तरीके की पट्टी रहती है फ्रेंड्स उस स्लीव सिलेंडर के ऊपर गार्ड की तरह, तो उसके दो बोल्ट रहते हैं 12 के, एक ये रहा और एक निकल गया है। और दो बोल्ट निकालने के बाद ये पट्टी बाहर आ जाएगी और जो सिलेंडर है आप दिखाई देता होगा यहाँ पे मेरा, उसका भी दो बोल्ट रहता है फ्रेंड्स। तो एक तो मैंने निकाला हुआ, एक पीछे की ओर यहाँ पर रहता है। और दूसरा भी लगा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। इस तरीके का दो बोल्ट रहता है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सिलेंडर बाहर आ जाएगा, का पाइप निकालेंगे। इसका एयर ब्रीडिंग यहीं से होता है, इसको यहाँ पे जो एयर निप्पल दिया गया है वो कोई बोल्ट वाला या नट वाला नहीं है जो खोलने से एयर ब्लीडिंग होगा, यहीं से ही उसको ओपन करेंगे तो एयर यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पे डबल लॉक रहते हैं एयर स्लीव सिलेंडर के अंदर। तो ये टाटा विस्टा स्लीव सिलेंडर है। सिलेंडर लगा दिया है फ्रेंड्स हमने, और इसके अंदर दो लॉक रहते हैं जिसका जो मेन पाइप है इसके अंदर, एक लॉक में एयर निकलती है और एक लॉक में वो फिट हो जाता है, इसका निप्पल नहीं रहता है एयर निकालने का। अगर आपको पेडल का प्रेस करने के बाद इसको लॉक दबा के पाइप को पीछे खींचना है तो एक एक गिसी की तरह पीछे आएगा एक लॉक और वहाँ से एयर ब्लीडिंग हो जाएगा। और डबल लॉक रहता है, दूसरा लॉक में आप डाल दोगे तो पाइप फिट हो जाएगा और एयर भी नहीं निकलेगा और क्लच सही तरीके से काम करेगा। एयर ब्लीडिंग हो चुका है फ्रेंड्स, सिलेंडर कंप्लीट काम करा है, पेडल भी परफेक्ट आ चुका है रिटर्न। और पेडल स्टार्ट करो, पुश
तो ये क्लच का फोर्क है और स्लीव सिलेंडर है, परफेक्ट काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो अब फिटिंग कर देंगे सब कुछ, परफेक्ट फिटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो पेडल है वो कितना ऊपर आ गया है, पहले जो वापस नहीं आ रहा था। तो ये परफेक्ट है फ्रेंड्स, और गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखा दें। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स और पेडल भी परफेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। पहले जो गियर हार्ड चेंज नहीं होते हैं या फिर हार्ड होते हैं, जब आधा काम करता था हार्ड होते हैं या फिर जब टूट जाता है फेल हो जाता है तो गियर चेंज नहीं होते। तो अभी देते इसको रिवर्स में, तो परफेक्ट है फ्रेंड्स। गाड़ी कंप्लीट काम कर रही है, गियर और पेडल भी परफेक्ट हो चुका है। तो टाटा विस्टा थी फ्रेंड्स, और इसके अंदर ये कुछ पुरानी गाड़ियों के बाद ये तो गाड़ी को बहुत किलोमीटर चली भी नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर ये सिलेंडर का प्रॉब्लम रहता ही है। तो ये स्लीव सिलेंडर चेंज करोगे तो हो जाएगा, अगर आपका पेडल वापस नहीं आ रहा है, गियर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।